अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अमरीन कमल चौधरी। मैं इस वक्त ननकाना साहब में मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो गुरुद्वारा है इसका नाम है जन्मस्थान। अभी हम आपको इस पूरे गुरुद्वारे का टूर कराएंगे और इसकी जितनी भी प्रेस्टिजियस प्लेसेस हैं वो हम आपको दिखाएंगे, इनकी मुकद्दस जगह जहाँ पर ये इबादत करते हैं, कैसे इबादत करते हैं, इस गुरुद्वारे की हिस्ट्री क्या है। सो लेट्स गो विद मी। ये हमारे सेवेदार हैं यहाँ पे और ये सबकी सेवा करते हैं और अभी हम गुरुद्वारे में एंटर हुए हैं तो इनका रोल ये, क्योंकि गुरुद्वारे की मुकद्दस का ख्याल रखते हुए हमें नंगे सर गुरुद्वारे में एंटर नहीं होना। जिस तरह से हम अपनी मसाजिद का एहतराम करते हैं, इसी तरह से हमें गुरुद्वारे का भी एहतराम करना भी चाहिए और ये मेक श्योर करते हैं कि यहाँ से कोई भी बंदा, चाहे वो मर्द हो या औरत, वो नंगे सर यहाँ से ना जाए। तो यहाँ से पहले ये आपका सर ढांपते हैं और फिर इससे आगे का सफ़र जो है वो शुरू होता है। सरोपे दिए जाएंगे। इस वक्त हम सरोवर साहब के बाहर खड़े हैं। यहाँ पे आपको काफी पॉन्ड और पानी नजर आ रहा होगा। इस पानी का मकसद, जैसे गंगा जल में लोग जाते हैं स्नान करने और अपने गुनाहों से पाक होने, तो यहाँ पर भी लोग आते हैं जो अपने गुनाहों से पाक होना चाहते हैं और वो यहाँ पर बेसिकली स्नान करते हैं। सो इस सारे गुरुद्वारे का टूर आप लोगों ने कर लिया है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस और एम्बियंस बहुत खूबसूरत है। सब वाइट है, वाइट इज़ अ सिंबल ऑफ पीस। और जो बाबा गुरु नानक हैं उनका मैसेज भी ये है कि प्यार करो और प्यार बांटो। तो यहाँ पे जब भी आप आएँ विज़िट करने, यहाँ से जो टेक या मैसेज आपने लेकर जाना है वो यही है कि खुद भी प्यार करें, लोगों से भी प्यार करें और सबको जियो और जीने दो का जो हमारा आजकल की दौर का मंत्र है उसको फॉलो करें। सेइंग दिस आई एम सेइंग अल्लाह हाफिज़ एंड इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियो कीप सब्सक्राइबिंग अमरीन कमल चौधरी। थैंक यू।